हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको पनीर फिंगर्स बनाना सिखा रही हूँ। जिसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मैंने 100 ग्राम पनीर लिया था, उसके 6-7 पीस मैंने कट कर लिए। उसके बाद मैंने ये अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया, थोड़ा सा आमचूर ले लिया और थोड़ा सा मैंने नमक ले लिया टेस्ट के अनुसार। और ये 2 चम्मच मैंने मैदा लिया है और 2 चम्मच मैंने दो की 3-4 चम्मच आप बेसन के ले लो, 3 चम्मच बेसन के, 3 चम्मच मैदे के। और लाल मिर्च लिया, लाल मिर्च पाउडर ले लिया। और मैंने 3 पीस ब्रेड के लिए थे, उसको मैंने मिक्सी में पीस लिया। ये ब्रेड का मैंने रेडी कर लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर हम जो मैदा था 3-4 चम्मच वो डाल देंगे। उसके बाद जो 3 चम्मच बेसन लिया था वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा नमक मिर्ची ले लेते हैं, थोड़ी सी वो इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा नमक ले लेते हैं, वो भी इसके अंदर डाल दें। थोड़ा सा अमचूर भी इसके अंदर डाल देते हैं, जो अदरक लहसुन पेस्ट की भी थोड़ा सा डाल देते हैं, ठीक है। अब इसको मिक्स कर लेते हैं और इसमें इसको पतला करना है और इसमें पानी डालेंगे। इसका पतला करना है कि इसके अंदर बाद में पनीर के फिंगर्स डालेंगे। अभी थोड़ा सा और पतला करेंगे, ठीक है। ये हमने पतला करके इसको रेडी करके रख दिया है। अब हम जो पनीर बनाया था ना, इसके पीस किए थे, इसके अंदर हम ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट है इसके अंदर थोड़ा सा आमचूर डाल लेंगे, थोड़ी लाल मिर्च डाल देंगे और जो नमक है वो भी ऑलमोस्ट 1/2 चम्मच डाल देंगे, ठीक है। इसको हम मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। ये मिक्स हो गए, हम जो पनीर के पीस थे उसके ऊपर इसका पेस्ट लगा देंगे। अब हमारा ये सभी के ऊपर हमने पेस्ट लगा दिया है। अब हमने एक एक पीस उठाएंगे, हल्का सा इसको इसके अंदर डिप करेंगे, ठीक है। डिप करने के बाद हम जो ब्रेड स्क्रब से उसके अंदर ऐसे रेडी कर लेंगे, लगा के ऐसे पीस रेडी कर लेंगे। अब दूसरा भी इसमें ऐसे इसको अंदर मिक्स करके डिप करके उसके अंदर ब्रेड स्क्रब के ऊपर इसके अच्छी तरह लगा देंगे कि अच्छी तरह इसके ऊपर चिपक जाए। अब ये मेरे जो ब्रेड स्क्रब्स के इसके ऊपर पूरा लगाकर मैंने रेडी कर लिया है। अब मैं इसको फ्राई करूंगी। मैं जो ऑयल था मैं पहले ही गर्म करके रखा हुआ है, अब ये गर्म हो चुका है। अब थोड़ा सा स्लो गैस करूंगी, फिर इसके अंदर हम इसको डीप फ्राई करेंगे। सभी इकट्ठे नहीं डालेंगे, मैं इसको 3 पीस सभी डालूंगी, बाकी बाद में डालूंगी। अब हमारे जो पनीर फिंगर है वो हमारे रेडी हो गए हैं, बिल्कुल ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसको गैस स्लो कर दिया, इसको मैं एक प्लेट में निकाल दूंगी। गैस बंद कर दी। ये हमारे फ्रेंड्स, अब मेरे ये पनीर फिंगर्स रेडी हो गए हैं और साथ में मैंने ग्रीन चटनी तैयार की है, जो आपने ये मेरे किचन गार्डन के मटेरियल की चटनी है। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, तो ये मेरे घर के ही गार्डन की चटनी है। ये चीज जो मेरे पनीर फिंगर्स है वो रेडी हो गया और इंजॉय करूंगा।